मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को रतनगढ़ धाम पर स्थित सिंध नदी पर 17 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस मौके पर सेवड़ा विधायक प्रदीप ने उनका सम्मान किया। इसके बाद डॉक्टर मिश्रा गहोई कॉलोनी भी पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद स्टेडियम पहुंचकर लगभग 2.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम के उन्नयन कराए जाने को लेकर भूमि पूजन भी किया। पहले हमने जो आज बांध सांसद जी बता रहे थे भागीरथ प्रसाद जी कि जो अपन सिंध बैराज बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं सिंध पर 1700 करोड़ रुपए का। ये बांध के पानी का ऊंचाई इतना था कि जो अपना ये पुल है ये डूब में आ गया, ये पुल डूब में आ गया था, इसलिए इसको ऊंचा बनवाया है। अब ये पुल डूब में आएगा तो समझ लो कितना पानी रहेगा सिंध पर, इससे अंदाज कर लो और कितना बड़ा स्थान हो जाएगा ये पर्यटन का और तीर्थ का।